मोसाद इसराइल की खुफिया एजेंसी है। मौत का दूसरा नाम मोसाद है। मोसाद से दुनिया भर के देश और आतंकी डरते हैं। अमेरिका भी मोसाद का दीवाना है। मोसाद को दुनिया का सबसे खतरनाक एजेंसी कहा जाता है। मोसाद की पहुंच उस जगह तक है जहां इजरायली नागरिकों के खिलाफ साजिश रची जा रही होती है। मोसाद की स्थापना आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए की गई थी। मोसाद की स्थापना 13 दिसंबर 1949 को एक केंद्रीय संस्थान के रूप में हुई थी। मार्च 1949 में इसे पूरा गठित किया गया और प्रधानमंत्री कार्यालय का एक हिस्सा बनाया गया। 1972 में म्यूनिक ओलंपिक में आतंकवादियों ने इजरायली एथलीटों पर क्रूर हमले किए, तब मोसाद ने एक एक आतंकवादी को खोज कर मारा था। मोसाद को कनाडा के इंजीनियर की हत्या के लिए दोषी माना जाता है। मोसाद का पूरा एक विभाग जैविक और रासायनिक खोजों में लगा रहता है। मोसाद के पास दुनिया के प्रत्येक नेताओं, प्रमुख व्यक्तियों और ऐसे लोगों की गोपनीय फाइलें बनी रखी हैं, जिनके पास किसी तरह की सामरिक महत्व की जानकारी होती है। मोसाद में महिला एजेंट भी काम करती हैं। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और मोसाद के रिश्ते सार्वजनिक हैं। मोसाद में 15 साल से 2000 तक कर्मचारी हैं, जिनमें से 500 आधिकारिक रैंक के हैं। तो ये थी इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के विषय में कुछ जानकारी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसी अनेकों जानकारियां पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।